हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देख कर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरु मां ने जीवन की अंतिम बेला में आधी व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, मुझे जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी, अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरु मां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरु मां गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि रम गई निज आत्म में आहार त्यागा पद त्यागा सिद्धियां त्यागी क्षण में अंतिम उपदेश आशीष दिया रम गई नमोकार धुन में निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। और चारों प्रकार का आहार का त्याग, ठीक है, स्वस्थ हो गए तो आहार लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। अगर स्वस्थ हो गए तो आहार करेंगे और नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब विद्याओं को धीरे धीरे उन विद्याओं को विसर्जन करो माता जी सबका। हाँ हाँ कह दो हमारी तरफ से सारी विद्याओं का विसर्जन हर प्रकार का फल। हाँ सब हमें छोड़ दें बाबा घंटा घर जी के दरबार में। हाँ और कुछ बात कहनी है किसी को है? नहीं कहनी है? सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा नहीं दी जाए। देखो बेटा ये आत्मकल्याण की बातें हैं, अपन को रोना नहीं है, अपन को तो अपनी माता जी की ऊंची करनी है, तिलक लगाना है। ये न कहे हमारी माता जी अनमोल ऐसी मर गई बिना ज्ञान की जानी तो ये जागृत अवस्था में मरी है हमारी माँ कह के गई है। हम जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में जिसमें आप लगातार देख रहे हैं तीर्थभूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। आज आप देखने जा रहे हैं
इस महामंगल विधान के 36वें दिन के मंगलमय दृश्य। आयोजन के 36वें दिन मंदिर जी पहुंचकर प्रातःकाल सभी भक्तों ने विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी का मंगलमय अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने पूर्ण विधि पूर्वक शांति धारा संपन्न कराई। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधान किए जाने के भव्य दृश्य प्रकट हुए। इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का कल्याण किया। परम पूज्य राष्ट्र संत नित्यानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य करणी आर्का विद्यासिनी माता जी की जय। कल अपना कर्ता और कर्म के बारे में अपन ने देखा था कि कर्ता और कर्म दो भिन्न भिन्न पदार्थों में होते हैं, लेकिन ध्यान ध्याता और ध्येय भिन्न भिन्न पदार्थों में नहीं होते हैं, वे एक आत्मा में ही होते हैं। कल देखा था कि कर्ता यह जीव अपने आप कर्ता को और कर्म को दोनों को एक मानता है। मैं चिटाई का कर्ता हूँ, मैं घर का कर्ता हूँ, मैं गृहस्थी का कर्ता हूँ, तो ये सबको एक मानता है, भिन्न भिन्न नहीं मानता है। समय सार की 95वीं गाथा में आया है कि जैसे भूताविष्ट शब्द आया है, जैसे किसी के शरीर में भूत प्रवेश कर जाए तो वह भूत को और शरीर को और आत्मा को एक मानने लगता है। वह अनुचित क्रियाएं करता है, कभी तो वह रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी खाने लगता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं खाता है, कभी दौड़ता है, कभी गाली देता है, कभी गाना गाता है। तो ऐसे ही यह जी अपने और शरीर कर्ता को कर्म को माने रागादि परिणामों को और अपने को एक मानता है, शरीर को और आत्मा को एक मानता है। तो वह कहता है अरे मैं तो इन सबको पलट सकता हूँ, जब ये हमारे हैं हम इनके हैं तो हम इन्हें पलट सकते हैं, इन्हें बदल सकते हैं, इन जे हमारे अनुकूल चलें हम इनके अनुकूल चलें, तो एक दूसरे के सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन अपना बिगाड़ हो रहा है उसकी ओर से दृष्टि नहीं जाती है। तो कहते हैं कि जैसे वो भूताविष्ट व्यक्ति अपने हो पर को अपना नहीं मान पर को अपना मानता है, ऐसे ही ये संसारी जीव अपने और पर को आत्मा और शरीर को एक मानता है। तो फिर कहते हैं कि जब उसे तत्व ज्ञान हो जाता है कि यह शरीर भिन्न है और मैं भिन्न, आत्मा भिन्न है और शरीर की जो पर शरीर है वह भिन्न है, जो ज्ञान दर्शन आदि पर्याय हो रही है, राग देश आदि पर्याय हो रही है, तो पूर्व पर्याय तो करता है, उत्तर पर्याय कर्म है, वह एक नहीं है। और जब तत्व ज्ञान हो जा, तत्व ज्ञान रूपी वर्णमाला, भेद विज्ञान रूपी वर्णमाला डल जाती है, तो वह कहता अब तो सम्य दर्शन होएगा ही होएगा, कोई माई का बाल नहीं है जो हमें बच सम्य दर्शन से छुटा ले। तो कहते वो तो होगा, जरूर होगा। कहते निर्ममत्तम विचिंतित, कहते निर्ममत्तता का कितने भी विघ्न बाधा आया है तुम उन बाधाओं को और ना देखते हुए अपने ममत्तता का चिंतन करो। कहते ममता, कहते जब ममता से सहित होता है यह मेरा है और मैं इनका हूँ, ये मेरा है मैं इनका हूँ, ये मेरे पूर्व में था मैं इनका पूर्व में था, ये मेरे भविष्य में होंगे मैं इनका होऊंगा। तो ऐसी जो ममत्त रूप बुद्धि है, वह ममत्त रूप बुद्धि उपयोग में जो राग आदि परिणाम सहित है उपयोग, वह ही बंध का कारण है। ना जगत बंध का कारण है, जगत में सारे कर्म स्कंद भरे पड़े हुए ठसा ठस, वे बंध के कारण नहीं है।
शरीर के हलन चलन क्रिया बंध के कारण नहीं है, इंद्रियां बंध के कारण नहीं है, इंद्रियों के विषय बंध के कारण नहीं है। जो तुम्हारा उपयोग है रागादि में डूबा हुआ है कि यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ, जे ये परिणाम है वही बंध का कारण है, यही संसार के भ्रमण का कारण है। जब ये इष्ट होते हैं तो राग करने लगता है, और जब अनिष्ट रूप परिणमन करते हैं तो सोचता है भगवान जे कब करिया करें, भगे यहाँ से दूर हो, हटे हमसे। तो कहते हैं जब अनिष्ट का संयोग होता है तो कहते हैं कि जब उसे दूर करना चाहता है तो भाई ये शरीर, ये जो कहते हैं निर्ममत्तम और जो राग से रहित उपयोग होता है तो कहते हैं भाई बंध से छूटता है। बंध से माने यह मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये रागादिक रूप परिणाम मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ। इस कैसे कहते ना उसमें आया 47वीं गाथा में ना 95वीं गाथा में, भक्त समय सार की गाथा नहीं सुनाएंगे, अर्थ सुनाई देते हैं। तो कहते हैं जैसे कोई मन चले को कहते अज्ञानी से अज्ञानी मिले दो दो बातें, ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें हो, और अज्ञानी से अज्ञानी मिले दो दो लातें हो। अब अज्ञानी गुरु मिल गया उसे, अब वो बेचारा भोला वाला था, उसने पूछा भगवान कैसा ध्यान करें सो हमें आत्मा का उपलब्धि हो जाए। सो कहते जो तुम्हारा इष्ट हो उसका ध्यान कर लो। अब उसकी तो इष्ट भैंसा था, अब भैंसा का वो ध्यान करने लगा। अब भैंसा का ध्यान करता है तो वो सोचता है कि मैं भैंसा का ध्यान करते करते मैं स्वयं को भैंसा मानने लगता है, कि जैसे भैंसा लंबा चौड़ा तगड़ा है, लंबे गगनचुंबी उसके सींग होते हैं, ऐसे ही वो अपने आप को मानने लगता है। अब वो कमरे से नहीं निकल पाता है, वो कहता मैं कमरे का दरवाजा तो छोटा है और मैं मोटा हूँ, कैसे निकलूं, मैं तो भैंसा हूँ। ऐसे ही कहते हैं जैसे वो भैंसा भिष्टा ऐसा आया कि भाई जैसे भैंसा को और अपने को एक मानता हूं कि मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ। जब उसे कहते सदगुरु दे जगाए मोह नींद दे उपसमय तब कछु बने उपाय। जब सदगुरु कहते भैया तू भैंसा नहीं, तू तो मनुष्य है, तू इस दरवाजे से निकल सकता है, तूने ऐसा मान रखा है कि ये शरीर है सो आत्मा है, वो आत्मा है सो शरीर है, ये राग देश रूप परिणाम है सो मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये तुम्हारे कोई भी तुम्हारा नहीं है, ना कोई तेरा साथ है ना कोई तुम्हारा साथी है। ऐसा जानकर हम आत्मा का चिंतन करें, आत्मा का ध्यान करें, भैंसा जैसा ध्यान ना करें। बोलो महावीर भगवान की जय। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को संबोधित किया। महानुभाव, माता रहती थी हमारी, गुरु माँ जब मंदिर में पर्युषण पर्व में रहती थी तो भगवान का भी मन लगता था, और उनके जो सेवक देवी देवताओं का भी मन लगता था, और निष्प्रय भाव से, निष्काम भाव से जिनेंद्र की जो उसकी भक्ति थी हम उसको बखान नहीं कर सकते हैं। हम आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं, हमारे यहां अति सत्य बताते हैं कि इस भारतवर्ष के सब तांत्रिक मांत्रिक और हमसे डीस रखने वाले आर्निश यहां पर तंत्र मंत्र करती रहती है। मैं प्रतिदिन हवन करता हूं, जो यहां पर आते होंगे दो टाइम नहीं तो तीन टाइम यहां हवन होता है। मैं हवन करता था तो माँ चुपचाप मेरे पीछे से निकल जाती थी कि कहीं भैया जी बुला के पूछ ना लें कि बैठ जाओ यहां पे, बताओ माता जी क्या बात है। हमारी माँ को सब कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था
कि बेटा तू जैसा सोचेगा जैसा करेगा वैसा ही सत्य मानना। वो हमें प्रेरित करती थी कि तेरी बात मजाक में भी झूठ नहीं होती है, इसलिए तू अपनी बात को गंभीरता से लिया कर। और उन माँ का ऐसा आशीर्वाद था कि वो इतनी जिनंद भक्ति थी कि भगवान की भक्ति ना छूट जाए, कहीं मैं इसमें उलझ ना जाऊं, तो वो चुपचाप मंदिर में आके बैठ जाती थी। ऐसी माता जिसके हृदय में जिनेंद्र के प्रति अपनी आत्मा के प्रति सजग जागृत थी। हमने पूरे जीवन काल में बहुत संत देखे, वो सब भगवंत हैं, महंत हैं, महिमामंत हैं, अगले भव में हो सकता मोक्ष भी चले जाएं, ना भी जाएं, नहीं तो देवता बन के चले जाएंगे, लेकिन हमारी माँ जैसा कोई भी आत्मा को जानने वाला और समाज के प्रति दुखियों के प्रति करुणा भाव रखने वाला, अपना सर्वोच्च निशावर करने वाला, इस धरा पर दूसरा कोई आर्का या साधु संत भूतो न भवस्यति। ऐसी माँ के चरण कमल में बार बार वंदना प्रणाम करता हुआ, हे माँ आपका आशीर्वाद हमारी आत्मा में ऐसे ही पड़ता रहे ताकि हम भी इस जिनपथ पर चढ़ करके परमात्म पद को प्राप्त करें और यह पर्युषणनाथ पर्व हमारे जीवन में आके ठहर जाए, हमारा धर्म शरीर ही धर्म रूपी बन जाए। ऐसी भावना के साथ आपके चरणों में नमन करते हैं। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों आज की इस कड़ी में बस इतना ही, कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।